एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप या फिर मास्टर स्लीव फ्लिप फ्लॉप, इसकी वर्किंग हमने पहले टॉपिक में की थी। अब इसका एक्साइटेशन टेबल करेंगे। देखिए, एक्साइटेशन टेबल करने से पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से ही प्रोड्यूस होता है। ये जो ट्रुथ टेबल है ये जे के फ्लिप फ्लॉप का है, जो कि हम कर चुके हैं। अगर इनपुट क्लॉक जीरो होती है, अगर क्लॉक जीरो है तो इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट प्रीवियस मेमोरी पे डिनोट डिपेंड करती है। अगर क्लॉक वन है, जे जीरो और के जीरो है इनपुट पे, तब भी वो मेमोरी पे डिपेंड करेगी। अगर क्लॉक वन है, जीरो वन है, तो आउटपुट जीरो होगी। अगर क्लॉक वन है, जे वन है और के जीरो है, तो आउटपुट क्या सेट करेगा? वन। ये तो हमारा कम्प्लीटली एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, जो हमारा ट्रुथ टेबल एस आर का फ्लिप फ्लॉप का था। लेकिन बस एक डिफरेंस हो जाता है कि जब जे वन होता है और के वन होता है तो आउटपुट क्या करती है? टॉगल करती है। टॉगल मतलब जीरो से वन, वन से जीरो, कॉम्प्लीमेंट होगी। तो ये हमारा जे का ट्रुथ टेबल है, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है। सिर्फ ये वाली इस चीज का डिफरेंस है, बाकी सब वही है। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जिसमें हमें नेक्स्ट स्टेज को कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पता होती है। इनपुट क्या है हमारे पास? जे और के। प्रेजेंट स्टेट जिसको हम क्यू एन से, यानी मेमोरी, या फिर इसको प्रेजेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट कुछ भी बोल सकते हैं, उससे डिनोट करते हैं। अब ये तो है हमारा जे, यहाँ पे आएगा हमें ये हमारा के है, और ये है हमारा क्यू एन, जो कि हमारी स्टेज थी, जो हमारी लास्ट स्टेज थी, प्रीवियस स्टेज जो होगी, जो मेमोरी पे हो डिपेंड होगी। अब देखिए, इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं, क्यू एन जे के। ये क्या है? ये शो कर रहे हैं हमारे थ्री वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको 2^3 यानी कि 8 टाइम, कितने टाइम हम अपने बिट्स को चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम उन्हें वेरी करवा सकते हैं, उतने टाइम हम इन्हें यहाँ लिख लेंगे। 0001 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, या फिर इस तरह भी अगर कन्फ्यूजन है तो इस तरह लिख लीजिए 4041 2021 2021 0101 0101 0, 8 स्टेज आ जाएंगे 0 से 7 तक। अब हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। देखिए, जब क्यू एन हमें पता है, जे हमें पता है, के हमें पता है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? क्यू एन, जो कि प्रीवियस स्टेज है। जब जे 0 होता है और के भी 0 होगा, जे 0 है और के 0 है, जे 0 है के 0 है, चाहे क्लॉक 0 है चाहे क्लॉक 1 है, तो जो आउटपुट होगी वो मेमोरी पर डिपेंड करेगी, जो कि प्रेजेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट की होगी, जो प्रीवियस स्टेट की मेमोरी पर डिपेंड करेगी। प्रीवियस स्टेट की मेमोरी क्या है? यहाँ पे 0, तो ये आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? 0। अगर J 0 है और K 1 है, J 0 है और K 1 है, तो आउटपुट चेंज होगी, तो क्या आएगी? 0। अगर J 1 है और K 0 है, अगर J 1 है K 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी? 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अगर J 1 है और K 1 है, देखिए ये चीज थोड़ी डिफरेंट है, अगर J 1 है K 1 है तो आउटपुट टॉगल करती है, यानी कि क्यू एन जो कि प्रीवियस स्टेट होगी वो टॉगल करेगी 0 से 1। अब हमारे पास J 1 है, K 1 है, तो जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी, जो मेमोरी थी, वो क्या थी? 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 टॉगल करेगी, 0 से 1 हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे 0 की बजाय 1 आएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब J 0 है, K 0 है, तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए क्यू एन, J 0 है और K 0 है, तो मेमोरी पर डिपेंड करेगा, और मेमोरी क्या है? पिछली 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। नेक्स्ट अगेन, J 0 है, K 1 है, J 0 है, K 1 है, तो क्यू एन क्या सेट क्या करेगा? 0, क्लियर टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। अगर J 1 है और K 0 है, और प्रीवियस मेमोरी 1 है, J 1 है और K 0 है, तो आउटपुट क्या होगा? 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब नेक्स्ट स्टेज फिर से वही आ गई, J 1 है, K 1 है, J 1 है, K 1 है, और QN जो कि प्रीवियस स्टेट थी वो 1 है। अब J 1 है, K 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये क्या कि मेमोरी को, जो कि कॉम्प्लीमेंट होगी, टॉगल करेगी, अगर ये 1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0, कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे पहले वाले स्टेज में यहाँ 0 था, तो यहाँ 1 आ गया था, दोनों 1 थे, जब ये दोनों 1 है और जब ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, टॉगल करेगा 0 से 1, 1 से 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल।
जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब हम करेंगे इसका एक्साइटेशन टेबल। क्यू एन हमारा प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट जो भी हम बोलेंगे वो शो करेगा, क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट को शो करेगा। क्लॉक हम वन होनी चाहिए, और क्योंकि क्लॉक जीरो होगी तो इनपुट कुछ भी हो आउटपुट मेमोरी पर डिपेंड करेगी। और एक चीज और, यहाँ पे टी भी ले सकते हैं और यहाँ एन भी ले सकते हैं, इसलिए इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लास्ट टॉपिक में आई थिंक टी है, तो यहाँ एन और टी कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम करेंगे एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में हमें प्रेजेंट स्टेट, यानी जो प्रेजेंट स्टेट होगी वो पता होगी, और नेक्स्ट स्टेट होगी वो पता होगी। हमें इनपुट निकालनी है, जे और के की इनपुट क्या होगी। अब देखो टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स को हम कितने टाइम लिख सकते हैं, 0001101 फोर टाइम लिख सकते हैं सिर्फ इनको हम। अब सबसे पहले अगर हमारी दोनों क्यू एन जीरो है, क्यू एन प्लस वन जीरो है, ये दोनों जीरो है, तो क्या होगा, तो जेके की वैल्यू क्या होगी। अब हम जाएंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पे, क्यू एन जीरो जीरो, देखिए कितने टाइम ये जीरो है, ये दो टाइम यहाँ पे क्यू एन जीरो, क्यू एन प्लस वन ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है। तो जे की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जे यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। लेकिन के की वैल्यू क्या है, जीरो भी है वन भी है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा क्रॉस, जिसको डोंट केयर बोलते हैं, यानी वो जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर जीरो और वन, क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन है, देखिए यहाँ पे क्यू एन जीरो है, क्यू एन वन, दो बिट्स हैं दोनों में, जीरो और वन। अब इस टाइम में क्या होगा, इन दोनों कंडीशंस में सब जे और के की वैल्यू देखो, जे की वैल्यू क्या है वन, तो जे क्या आएगा वन। अब के की वैल्यू क्या है, इन दोनों सिर्फ इन दोनों में ही देखेंगे, क्योंकि जीरो और वन पे बात कर रहे हैं, के की वैल्यू जीरो और वन, के अगेन डोंट केयर, यानी जीरो वन कुछ भी हो सकता है। आगे क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन जीरो है, क्यू एन क्या है वन और क्यू एन प्लस वन क्या है जीरो, एक तो ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी। और कौन सी है, क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन जीरो है, एक ये वाली इक्वेशन, वन जीरो वन जीरो। अब देखो जे और के की वैल्यू सिर्फ इसमें और इसमें देखनी है, इसमें जे की वैल्यू क्या है, जीरो और वन, यानी जे की डोंट केयर, जीरो और वन कुछ भी हो सकती है, और के की क्या है, ये भी वन है और ये भी वन है, तो जे की क्रॉस होगी और के की क्या होगी, वन होगी। अब अगर दोनों वन है तो क्या होगा, यानी कि क्यू एन भी वन है, क्यू एन प्लस वन है, एक तो ये कंडीशन हो गई, एक ये वाली कंडीशन हो गई, इन दोनों में ये दोनों जो स्काई ब्लू कलर की शो कर रही है, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसमें सबसे पहले देखेंगे जे की वैल्यू, जे जीरो है और वन है, मतलब जे को हम डोंट केयर, क्रॉस से डिनोट करेंगे, और के जीरो है और इसमें भी जीरो है, यानी कि क्रॉस और जीरो। इस तरह से हम इसका एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल। अब इससे हम अपने के मैप भी बनाते हैं, जो हमारे टेबल्स आए हैं इनसे। देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, के मैप बनाते हैं क्यू एन प्लस वन के लिए। हमारे पास थ्री वैल्यूज है, जे के क्यू एन। अब तीन वेरिएबल्स है तो एट स्क्वायर बॉक्सेस होंगे, जे के ऊपर लेंगे क्यू एन, इनको कितने टाइम चेंज कर सकते हैं, जीरो 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 वन 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 जीरो, इसको जीरो या वन। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, इस बॉक्सेस के नेम होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब जीरो जीरो जीरो, जीरो के लिए जीरो, जीरो बॉक्स में क्या आएगा जीरो, वन बॉक्स में क्या आएगा जीरो, वन में क्या आएगा जीरो, टू बॉक्स में क्या आएगा वन, सेकेंड वाले में वन, थ्री में, थ्री बॉक्स में वन, यहाँ पे आएगा वन, नेक्स्ट फोर बॉक्स में वन, फोर्थ बॉक्स में आएगा वन, फिफ्थ में आएगा जीरो, सिक्स में आएगा ये सिक्स बॉक्स वन, सेवन में क्या आएगा जीरो। अब करेंगे इनकी पेयरिंग। पेयरिंग सबसे पहले एट की पेयरिंग देखते हैं, एट की पेयरिंग नहीं हो रही तो टू की पेयरिंग देखो, फोर की पेयरिंग, फोर की पेयरिंग नहीं हो रही तो देखो टू की पेयरिंग। देखिए यहाँ टू की पेयरिंग, एक तो ये वाली पेयरिंग हो रही है, एक ये वाली पेयरिंग हो रही है। अब इसे वैल्यू क्यू एन प्लस वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, सबसे पहले इसमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जे, देखिए इसमें क्या कॉमन है, वन वन, यानी जे और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यानी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जे, और इन दोनों में ये जो हमने साइड पेयरिंग की थी
इसमें वन यानी कि क्यू एन, और इन दोनों वैसे क्या कॉमन है, इसके अकॉर्डिंग के कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का के मैप बनाया है, वैसे ही हम जे और के लिए भी के मैप बनाएंगे। देखिए जे और के जिसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं इसके लिए। अब Qn और Qn plus 1, 0, 1, 0, 1, 2 time change कर सकते हैं, दो ही variables हैं, तो 4 square box लेंगे। अब 0, 0, अब ये J के लिए बना रहे हैं, J के लिए अलग बनाना है, K के लिए अलग बनाना है। 0, 0, तो सबसे पहले box में आएगा 0, first में आएगा 1, और second में आएगा cross, cross, जो कि don't care होंगे, इसमें भी cross, इसमें भी cross। अब करेंगे इसकी pairing, देखिए इसमें सिर्फ एक pairing हो रही है, ये वाले, तो common क्या है? Qn plus 1, यानी J क्या is equal to है Qn plus 1 के। अब ये अगर एक क्रॉस होता है तो हम इसे छोड़ देते हैं, अगर इसकी पेयरिंग नहीं होती और 1 के साथ कोई पेयरिंग नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, इसकी पेयरिंग करना जरूरी नहीं होता है, ये डोंट केयर कंडीशन के लिए होता है। ऐसे ही हम K का मैप भी बना सकते हैं, K का मैप आप खुद बनाइए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। यह हमारा एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप या मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।